भारतीय नौसेना के ताकत में एक बड़ा इजाफा हुआ है। दरअसल पनडुब्बी आईएनएस खंडेरी नौसेना के बेड़े में शामिल हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना में इसे शामिल किया है। तो आपको बता दें कि नौसेना को एक साइलेंट किलर मिल गया है। ये ताकत नौसेना के साथ जुड़ गई है। तो आईएनएस खंडेरी स्कॉर्पियन वर्ग की मारक पनडुब्बी है। आईएनएस खंडेरी में 40 से 45 दिनों तक सफर कर सकती है। तो भारी भरकम सुविधाओं के साथ और अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं उनके साथ ये लेस आईएनएस पनडुब्बी जो नौसेना के बेड़े में शामिल हो गई है, नौसेना को एक और बड़ी ताकत यहां पर मिल गई है। तो 350 मीटर गहराई तक गोता खाने वाली इस पनडुब्बी की खासियत यहां पर है। 40 से 45 दिन तक रहकर 12,000 किलोमीटर जाने की क्षमता से लेस है। और इसके साथ ही ये पनडुब्बी अब भारतीय नौसेना में शामिल होकर देश की अखंड ताकत की दुनिया को भी एहसास कराएगी। तो ये तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं जहां पर खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आईएनएस खंडेरी को नौसेना को सौंपा है और नौसेना को अब ये ताकत मिल गई है। तो अत्याधुनिक क्षमताओं के साथ ये लेस आईएनएस खंडेरी समुद्र में दुश्मनों को यहां पर नाको तले चने चबाने पर मजबूर कर देगी। और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह इस वक्त वहां मौजूद हैं। आईएनएस खंडेरी को नौसेना को यहां पर सौंपा गया है। साइलेंट किलर इसे कहा जाता है, जो साइलेंट होकर अपने काम को बखूबी यहां पर निभाती है। तो ताकत में इजाफा यहां पर नौसेना ने हुआ है। तो आपको बता दें, इससे पहले क्लवरी स्कॉर्पियन श्रेणी की पहली पनडुब्बी थी, लेकिन इसके बाद आईएनएस खंडेरी बनने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई। तो नौसेना पिछले 2 साल से आईएनएस क्लवरी का इस्तेमाल कर रही है और उसी से सीख लेकर अब बेहतर और अत्याधुनिक पनडुब्बी तैयार की गई है और वो पनडुब्बी है आईएनएस खंडेरी। तो नौसेना के बेड़े में इसको शामिल कर लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस दौरान वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने ही आज नौसेना को ये ताकत सौंपी है, आईएनएस खंडेरी सौंपी है। तो पनडुब्बी की लंबाई जो है वो 67.5 मीटर है और अगर इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो 12.3 मीटर। समुद्र में 350 मीटर की गहराई तक गोता लगाने में सक्षम है। इसके साथ ही ये पूरी तरह शांत रहती है, इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहा गया है। तो इसके चलने में समुद्र की ऊपरी परत पर किसी तरह की कोई हलचल का अंदाजा नहीं लगा पाता है और इसी के चलते ये दुश्मन को चकमा दे जाता है और इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। लेकिन तमाम अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं उनसे लेस इस आईएनएस खंडेरी को आज नौसेना को यहां पर सौंपा गया है।